हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? सो फ्रेंड्स, सूरज संगीता ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। अभी मॉर्निंग के बज गए हैं 9। मैंने खाना रेडी कर लिया है और उसके बाद दादी गई थी बाग, बाग से लेके आई है महुआ। महुआ क्या है हम आपको दिखाते हैं। तो उसको हम जा रहे हैं धुलने, धुल के उसके उसका कुछ रेसिपी बनाएंगे और वो हम आप लोगों को तक शेयर करना चाह रहे थे। तो मैंने कहा चलिए आज आप लोगों को महुआ की एक रेसिपी दिखाते हैं। तो चलिए पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं मुर्गा। उसको हम अभी वॉश कर रहे हैं, मतलब धुल रहे हैं। धुलने के बाद उसका उसका आगे का काफ़ी प्रोसेस है, इसीलिए मैंने खाना फटाफट रेडी कर लिया है ताकि कोई खाना मांगे तो मैं मुझे बीच में ये ना हो कि मुझे खाना बनाना है। खाना रेडी हो गया है, अब मैं जा रही हूँ मुर्गा को पूरा अच्छे से क्या क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये रहा मुर्गा। जी आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब इसको हम पानी में, दो पानी में मैंने ऑलरेडी इसको धुल लिया, तीसरे में धुलने जा रहे हैं क्योंकि ये खेतों में मतलब पेड़ से गिरता है नीचे तब मिलता है तो गंदा हो जाता है ना, तो इसलिए इसको वॉश करना पड़ता है अच्छे से। तो अभी हमने धुल लिया है, अभी देखिए हम इसको पानी में इसे निकाल के ये बर्तन में रखेंगे। देखिए इसको निकाल के अच्छे से पूरा हम निकाल लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। देखिए ये अच्छे से वॉश करके इसका पानी वो करके इसे हम निकालेंगे। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ इसको महुआ बोलते हैं, दादी लेके आई हैं। तो चलिए पहले इसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा हो गया है कंप्लीट। ये देखिए मैंने सारा महुआ को अच्छे से निकाल लिया है धुल के। अब इसको मैं क्या करूँगी वो मैं बैक कैमरा से दिखाऊँगी क्योंकि मैं अभी अकेली हूँ, तो इसलिए मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे क्या करना है। इसमें से रस निकालना है मुझे, कैसे निकालना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें से हमको रस निकालना है। ये देखिए इसको हमको अच्छे से इसको मैश करना है। जब इसको हम मैश करते हैं तो इसमें से रस निकलता है। ये देखिए अब ये सारा मतलब कि ये सारा जो महुआ है इसको हम ऐसे मैश करके इसमें से रस निकाल के और जो इसका ये जो निकलेगा इसको हम ऐसे निकाल के बाहर कर देंगे। देखिए ऐसे निकालना है हमें। और इसकी रेसिपी बनेगी वो सस्पेंस है, बनी रहिए आप लोग हमारे साथ और हम आपको दिखाएंगे कि इसकी क्या रेसिपी है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि अभी हम महुए का रस निकाल रहे हैं, तो देखिए ये मैंने इतना सारा रस निकाला है और ये है उसको महुए को अच्छे से मैश करके और ये देखिए इससे रस निकालते हैं। पास ला के दिखाइए, देखिए इतना मीठा है ये कि इस पर मक्खी भी बैठ रही है। देखिए बार बार भगा रहे हैं। तो ये अभी इसका मतलब हम वेस्ट पार्ट है। हम भी एंट्री मार चुके हैं ब्लॉग में, ये हमारे किसी काम का नहीं है, हम थे नहीं, कुछ आइडिया नहीं था कि ये सब होने वाला है। और कल से गायब से, आते ही मोबाइल हाथ में पकड़ना पड़ा कि ब्लॉग शूट करो। हाँ, ये तो ये थे नहीं, मुझे मैं अकेले कर रही थी तो मैंने कहा तब तक आप दिखा दो, नहीं तो ऐसे कैसे मतलब मैं एक हाथ से कैसे दिखाती आप लोगों को क्या बन रहा है। ये सस्पेंस है, जो भी देख रहा होगा हमारे यहाँ का वो समझ गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। हाँ, गांव के लोग तुरंत समझ गए होंगे कि क्या बना रहे हैं और ये कहें की प्रोसेस है। देखिए, तो देखिए रस, रस का क्या होगा, रस का ही तो बनेगा और इसका बनेगा इससे वो बेकार है, वेस्ट है, ये वेस्ट पार्ट है। हम तो अभी तक सोच रहे थे ये बनेगा इसका, ना 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 बेकार है, ये रस से बनेगा जो भी बनेगा। अच्छा, सब हम निकाल लिए हैं। पहले कभी बनाई हो? नहीं बनाए नहीं, पर खाए हैं। हम लोग ऐसा हमेशा ट्राई करते हैं, जो चीज नहीं बनाए रहते हैं वही ट्राई करते हैं, वही ट्राई करते और आप लोगों के बीच दिखाते हैं ताकि आप लोग भी कमेंट करें, कुछ अपना सुझाव भी दें और हम लोग सही करते हैं कि नहीं। हाँ, जो चीज़ नहीं बनाना आता हो उसी को ट्राई करना, और क्या, जब ट्राई करेंगे तभी तो कोई चीज़ आएगी। वही तो,
मेरे घर पे बनता है, देखे हैं कैसे कैसे ओहो कितना ये कैसा लग रहा है जैसे मतलब कैसा? इसमें पानी भी है? ना ना केवल महुए का रस है, पानी सिर्फ महुए का रस है। इतना ज्यादा तो हम लोग बनाने वाले हैं देसी शराब। देसी शराब नहीं है, इसका कुछ आइटम बनेगा सुंदर सा, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, मीठा मीठा बनेगा। इसका मीठा बनेगा। ओह मक्खी मक्खी मक्खी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमको पकाना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा अच्छे से गैस पे। चलिए ठीक है फिर, ये कच्चा रस है तो इसको पकाएंगे। ठीक है फिर। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मावे के रस को अभी हमें करना है, मतलब सॉरी पकाना है। तो देखिए मैंने चढ़ा दिया हुआ है और ये देखिए कैसे पक रहा है। ये देखिए अभी इसको हम ना आपको घुमा के दिखाते हैं किसी चीज से। ये देखिए ऐसा लग रहा है फटा हुआ दूध। अब इसमें जो ये वाइट वाइट पार्ट है ये अलग हो जाएगा और जो इसका रस है वो अलग हो जाएगा, वो रस हमारे यूज में आएगा। बाकी वेस्ट चीज इसमें भी निकलेगा तो उसको हम फेंक देंगे। अभी ये अच्छे से उबलेगा फिर इसको हम छन्नी से जैसे अभी छाने थे वैसे फिर छान लेंगे। तो जैसे जब तक ये उबलता है तब तक इसको उबलने देते हैं और फिर आगे का हम आपको दिखाते हैं। सो गाइस ये कैसा हो गया, कलर एकदम चेंज हो गया। इसको खूब सारा पकाए हैं, इसको इतना पकाना होता है कि ये रेड रेड हो जाए। और देखिए हमें पकाया इतना सारा कि ये रेड रेड हो गया है। अभी इसको फिर से छानना पड़ेगा। ये देखिए इसको ऐसे छानना पड़ेगा फिर से। ये देसी शराब बन रही है ना, हमको पीने के लिए। हाँ पिलाते हैं भी आपको। और अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, देसी आटा गेहूं का, देसी आटा गेहूं का। हाँ देसी है ना, ये देसी तो ये भी है ना, मतलब विदेशी भी आता है क्या कोई? क्यों आजकल? अच्छा ये मतलब आटे में मिक्स करना है क्या? हाँ इसका पेस्ट बनाएंगे, गड्ढा गड्ढा एकदम गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। वो मक्खी है देखो, मीठा है ना इसलिए मक्खियाँ भिन्न। तो संगीता जी क्या बना रही हो आप? अब बता दूं तब क्या? अरे जिसके यहाँ बनता है वो पहचान गया है, वैसे हम बता देते हैं इसको हमारे यहाँ बोलते हैं गुलगुला, देसी भाषा में बोलते हैं गुलगुला। हाँ, इसी बात पे हमें एक गाना याद आ गया, कौन सा? बुलबुला रे बुलबुला बाहु कैसे है बाह बुलबुला रे बुलबुला मुझको बाहु में सुला जा तेरी गायके बन गई हैं सारी दुनिया को बुला। ओ तेरी की, इसका गाढ़ा सा पेस्ट रेडी करेंगे। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए मैंने एक पेस्ट रेडी कर लिया है। अब इसका हम बनाएंगे गुलगुला, लेकिन अभी इसको हम रखेंगे 15-20 मिनट के लिए, थोड़ा सा बन जाए आटा और अच्छे से तो 15-20 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। ओके 15-20 मिनट बाद मिलते हैं, तब तक के लिए आइए वेलकम है सबका। दोस्तों अभी देखिए वीडियो का हम भी सॉल्व हो गए हैं और अभी हम खाने वाले हैं महुआ का गुलगुला। पहली बार संगीता बना रही हो गया है। इनका हर एक चीज ग्रेवी रहा था। ये देखिए ये प्रोसेस है, इसको महुआ का रस निकाल के आटा में मिक्स करके गूथी है, मीठा हो गया है। वो मीठा हो गया है, वो भी इसमें चीनी डाली हो? ना 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 चीनी उनी नहीं पड़ा है। और ये देखिए आखिरी प्रोसेस के लिए तैयार हो गया है, तेल पड़ा है और इसमें तलेंगे निकालेंगे और हमारा गुलगुला हो जाएगा रेडी। हाँ फिर उसके बाद आप लोग खिलाते हैं। ये सब चीजें कहाँ मिलती हैं यार देखने को, आप बताओ, आप कहीं देखते हो? मिलते हो बहुत ग्रामीण इलाकों में ही ये सब चीजें अवेलेबल होती हैं, मतलब मिल जाती हैं। बहुत पुराने लोग इसका स्वाद का आनंद लेते हैं क्योंकि जो पहले के लोग होते थे वो इन सब चीज़ों को बहुत अपना फेवरेट मानते थे। और गांव के लोग तो अच्छा खासा जानते हैं। देखिए
कढ़ाई में हम आपको बैक कैमरे, ये देखिए हमारा गुलगुला बन रहा है, लेकिन ये इससे गिराई है ना तो कह रही हैं अच्छा नहीं बना है, अब ये हाथ से ही गिराएंगे और देखते हैं इसको कब तक मतलब तेल में रखना होता है, कितनी देर तक ये पक ना जाए अच्छे से। कैसे पता चलेगा कि पक गया है? कलर आएगा ना इसमें, इसमें रेडपन आ जाएगा, लालपन। ये हालांकि कभी बनाई नहीं है, हम लोग वही चीजें ट्राई करते हैं, बनाए नहीं है लेकिन हम बनाते हैं, सीखते हैं और आप लोगों को भी शेयर करते हैं और हमसे बड़े बना देते हैं ना वो खिला देते हैं। हर कोई ऐसे ही सीखता है, कोई कोई चीज जानता नहीं है बहुत पहले से। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे घर में बन रहा है मोहे का गुलगुला और मैंने लगा दिया है पतिदेव को काम पे। सो गाइस, आपका स्वागत है सूरज के किचन में, यहाँ का सिर्फ मैं ही हूँ। और देखिए मैंने कितनी प्यारी डिश बनाई है, महुए का गुलगुला, और खा भी चुके हैं, बनाते बनाते खाते हैं। हाँ देख लीजिए, वो टेस्ट भी कर लेते हैं ना कि किसी को अच्छा पसंद आना चाहिए। ये देखिए कैसे फूले फूले, मैंने अपने हाथों से इसमें डाला है। हाँ देख लीजिए, हाथ से ये डाल रहे हैं और लगा मेरे हाथ में है। वाह 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 वाह, आप हमारे हाथों से, आपके पॉकेट में भले ही लगा है। हाँ देखिए मैं कितना मतलब मेहनत करता हूँ, देखो लगा कैसे रहे, लगा कैसे रहे। आइए दिखाएं हम आपको करीब में, आइए अपना गुलगुला दिखाते हैं, दिखाइए दिखाइए। और ये देखिए इसको थोड़ा और पकाइए, देखिए कितना लाजवाब है। हाँ और पकाएं, अब एक शेफ को आप सिखाएंगी, थोड़ा सा पका दीजिए ना, नहीं तो कोई ना 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 पकाना चाहिए आपको एक शेफ को। आइए हम आपको पूरा बारीकी से सिखाते हैं कि कैसा कैसा प्रोसेस। हाँ गैस पे टपकाइएगा नहीं, टपकाइएगा नहीं मतलब वो गैस पे गिरेगा, गिराइएगा नहीं मतलब। शेफ को सिखाना मतलब बहुत बुरी चीज होती है। अच्छा बाबा, ये देखिए गुलगुला ऐसे बनता है, अगर इनको ना मालूम हो तो मैं आके सिखा देगा, बना नहीं पाती जिसको ना आता वो इनसे आके सीख लेगा। बनना पातर कर आके देखो यार, संगीता आके देखो यार, मतलब सही है कि नहीं। अच्छा बाबा चलिए, मेन किचन यही है भैया। हाँ ठीक है, अच्छा है किचन कह रहे हैं, सेफ यही है। तो देखिए ये हमारा बनाया हुआ है और, वो भी और ये है। इनका बनाया हुआ है, देखिए कमेंट करना ना भूलिएगा कि मतलब किसका लाजवाब रहा। ये देखो इनका देख लो, अरे पहले निकले दो, गुलगुला ऐसे बनता है, अगर ऐसे ना बन... ये वाला आपका सही है बस। गुलगुला एकदम ऐसे बनता है ना कि ऐसे बनता है, ठीक है। ये देखो गाइस, ये देखिए मेरा कितना बढ़िया फूला फूला निकला, एक दिखा रही है और पास इतना ये है तो नहीं सिखा, देख रही है क्या वो गीला था फिर। और ये हमार देखो, हमार देखो, अगर कोई मतलब वो देख रहा होगा जिसको गुलगुला अच्छी तरीके से बनाना आता होगा, वो पक्का कमेंट करेगा कि किसका मतलब अच्छा बना है। देखिए हमारा वाकई में ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही वाकई में ऐसे नहीं होना चाहिए। मम्मा हमारी मम्मी हमेशा यही तरह की बनाती थी, ठीक है। हाँ इतने बड़े बड़े वो दूसरा गुलगुला है मम्मी जो बनाती, ठीक है। पहले के लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। पहले कहाँ जा रहे हो आप, वो दूसरा गुलगुला मम्मी जो बनाती है, ये जो बना रहे हैं ये दूसरा गुलगुला, कुछ नहीं यही तो असली गुलगुला है, ये तो ऐसा लग रहा था पकौड़ी पगले हो। जिसको भी ये हमार वाला अच्छा लगा हो इनका, वो हमको कमेंट में एक बार जरूर बताना, खा लेंगे। इनका मुंह देख, लाइटें नहीं है ना मेन चीज, अभी लाइट आएगी तो फिर आप क्या बताएं, लाइट भाग चुकी है। हाँ देखिए अब हमें ही स्वतः करना पड़ेगा, लोग जलने लगते हैं आपके अच्छे कामों से। इसको देखो, देखिए इसको क्या कर दिया गया है, इसको जला दिया गया है, जानबूझ के जला दिया गया है, ये जानबूझ के जला दिए हैं हमारे गुलगुला। कहाँ जला है इनकर, ये बता देखिए कितना अच्छा पका है, आप बोल रहे हो कि जल गया है। रुको भैया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखो उसमें दिखाई, देखिए देखा आप लोगों ने, ये मतलब कितना ना इंसाफी कर रहे हैं, अभी रुकना है।
ये देखिए, ये हमारा बनाया हुआ जितना बड़ा बड़ा दिख रहा है और अच्छा, मतलब देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ। इसको भी जला दिया गया है एक साजिश के तहत। साजिश के तहत। चलिए ठीक है, ये हमारा गुलगुला है और ये हमारा तेल है और ये मटेरियल है और ये हमारी मिसेस है और आप देख रहे हैं संगीता सूरज ब्लॉग्स। तो आज की वीडियो देखिए कैसी रही, आप लोग कमेंट करना ना भूलिए। एकदम थोड़ा सा बचा है बनने के लिए और ये बस हो ही गया है, निकलने वाला है और इतना सारा गुलगुला बनके हो गया है रेडी और ये खाने के लिए निकाला गया है। देखिए हमारा छुपाई भी है बड़ा वाला है, देखिए हमारा गुलगुला कैसा बना है, टेस्ट करेगा। हाँ करिए जरूर, टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा गुलगुला कैसा बना है। हालांकि कैमरे में थोड़ी दिक्कत है, वीडियो स्लो हो रही होगी मुझे पता है। यम गजब, बहुत अच्छा बना है यार, ऐसी चीज़ें मिलती कहाँ हैं। कभी हमको ही साल भर में एक आध बार मिल जाती हैं तो मिल जाती हैं, नहीं तो भैया कहाँ मिलने वाला है महुआ। और आजकल बगीचे पूरे महुआ के ख़त्म होते जा रहे हैं, बहुत गिने चुने रह गए हैं हमारे यहाँ, तो भैया ऐसी चीज़ें अब दोबारा नहीं मिलने वाली है। महुआ हुआ कुछ सालों के बाद से शायद देखना ही नसीब ना हो। तो देखिए बहुत गजब लग रहा है, बस लास्ट है। तो वीडियो कैसी रही, हमारी नई रेसिपी महुआ की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारा या इनका वाला में से कौन सा बढ़िया रहा गुलगुला वो ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।